अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। यार आप सब बड़े होंगे, आप शुगे चिमुड़ में होंगे, मैं ब्लॉकर्स कुदरत सैल आप खान और आप लोग क्रूडो है। हाँ भाई, बार किया, जीत गए एशिया कप, पाकिस्तान लॉस एशिया कप 2022 पाकिस्तान फाइनल का है जो पाकिस्तान फाइनल हार गया था। अच्छा वो वाले अच्छा, सब कह रहे कि पाकिस्तान जीत जाएंगे, वन साइड जीत जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान फाइनल जाएगा, तो कहानी आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ क्योंकि इसी में सोचा नहीं था कि श्रीलंका कैसा करेगा, लेकिन श्रीलंका जीत और वन साइड जीत गए, तो यहाँ पे इन्होंने रोस्टिंग की है। देखते है कैसे रोस्टिंग की है फाइनल हारने पर पाकिस्तानियों की। इस मरतब इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान ही एशिया कप जीत के जाएगा, 20 वर्ल्ड कप भी जीतेगा, ये एशिया वर्ल्ड कप भी जीत के आएगा इंशाल्लाह। एशिया कप जीत के हम। हाँ भाई, पोर्कियो जीत का एशिया कप। एक दो मैच क्या जीत गए, पोर्की सातवें आसमान पर चढ़े हुए थे, अपने आप को ऐसा समझ रहे थे जैसे यही क्रिकेट के बेताल बादशाह हो। दूसरे देशों के खिलाड़ी खिलाड़ी ही नहीं, बंदे अपनी टीम की तारीफ में फटे जा रहे हैं, और जैसे ही पोर्की हारता बंदा कुछ करके हारो खेला तो सही, पिस्टल पे लेते रहते होटल में रहते तो तुमने बकचोदी ही बहुत फैला रखी थी। ये लो। और भाई अब तो ये पोल के हार के सदमे में इस कदर बौखला चुके हैं कि बंदों ने पाकिस्तान के हार का जिम्मेदार भी इंडिया को ठहरा डाला। नहीं भाई बाबा, तो किसकी नजर लगी, इंडिया आपकी नजर लगी। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। भाई पोल ने एशिया कप शुरू होने के 2 महीने पहले से ही बड़ा हल्ला काट रखा था कि एशिया कप लेंगे, एशिया कप लेंगे, मुँह में ले लो अब झोपड़ी वालों। वैसे भी ये पोल की कोई ट्रॉफी जीतने के लिए खेलते ही कब है, ये तो सिर्फ इंडिया से मैच जीतने के लिए खेलते हैं, वही इनकी ट्रॉफी होती है, वही इनका फाइनल। हिसाब बराबर कर दिया, बाबर आजम 11 ने पिछली शिकस्त का बदला चुका दिया। बदला 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 भाई, यही है इन पोर्कियों की असली कहानी। बंदे इंडिया से मैच के हारे, पोर्की बदले की भावना में इस कदर जलने लगे मानो इंडिया से जंग हार गए हो। जिस भी पोर्की को देखो, जबरदस्त मैच था और पाकिस्तान ने बदला ले लिया पिछले मैच का। भाई जंग तो ये पोर्की जीतने से रहे तो अपना दिल बहला लेते हैं एक मैच जीतकर, और इंडिया से मैच जीतने की खुशी मानो बंदों ने मैच जीतकर मुल्क की इकोनॉमी उठा दी हो। आम लोगों से लेकर पाकिस्तानी फौज तक इंडिया से मैच जीतने के जश्न में इस कदर डूबे हुए थे मानो इंडिया से इन्होंने मैच नहीं जंग जीत ली हो। पाकिस्तान ने भारत का उधार चुका दिया, दुबई का पहला दुबई अधिकारियों, बिना भीख मांगे एक दिन मुल्क चलाने की औकात नहीं, नया पीएम बनने की देरी नहीं होती, कटोरा लेकर दूसरे देश भीख मांगने पहुँच जाते हो, पूरा मुल्क पहले ही गिरवी रखा हुआ है और तुम उधार चुकाओगे। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनखा 550 कंधे टांगे राइफल। साला एक साल दूसरे देशों का हजम करने के बाद किसी देश का एक रुपया वापस नहीं किया होगा और उधार चुकाने वाले बन रहे हो। भाई इन पोर्कियों की तो मुझे बकचोदी ही समझ नहीं आती, ना इन्हें हार बर्दाश्त होती ना ही जीत गए तो लंबी लंबी फेंकने लगते हैं, और हार गए तो अपनी हार नहीं मानते, बल्कि हारने के बावजूद भी इनका कहना होता है मैच हारे ही नहीं है ना, ये वो हार थोड़ी बोलते, आखिरी गेंदों तक हम लड़े। ये हमारा एक बहुत बड़ा बॉलर शाहीन शाह भी नहीं था, दूसरे भी जो बॉलर थे इंजर्ड थे, उसी भाई यही वजह रही कि इंडिया ने इस मैच में वैसा प्रदर्शन नहीं किया जैसा करना चाहिए था। टीम को भी पता था कि ये पोर्की हारने के बाद भी खुद को जद्दोजहद करने से क्या फायदा, और वैसे भी एशिया कप की इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान और श्रीलंका को जरूरत है, क्योंकि दोनों देश ही आर्थिक कंगाली से गुजर रहे हैं। अगर इंडिया के एशिया कप से बाहर होने पर किसी बर्बाद देश को खुशी मिलती है तो भारत के लिए इससे बड़ी जीत और क्या होगी। भाई वैसे भी हम भारतीय विश्व में अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं, और वही दूसरी तरफ अफगानिस्तान दिल दरिया बाकी सब समंदर है, ये मेरी समस्या है। भाई पाक वर्सेज अफगानिस्तान मैच में अफगानी भाइयों ने पोर्कियों को जो पेला, पहलते पहलते पोर्कियों को सुअर बना दिया। माफ करना भाई, सुअर तो ये पहले भाई से पहलते कुत्ता बना दिया। अच्छा नहीं किया, नहीं करना, ग्राउंड में नहीं करना। मैच के बाद स्टेडियम
स्टेडियम में मैच देखने आए बोर्डियों की हालत ये हो गई थी। इसका लेकर बोर्डियों का कहना था, हम ICC को खत भी लिखेंगे, आवाज उठाएंगे, जो भी हमारे भाई क्यों मारा कश्मीर के लिए OIC UN में जाएंगे, कभी भीख मांगने IMF वर्ल्ड बैंक में जाएंगे, लेकिन हर जगह से इन्हें मिलता क्या है? घंटा। मतलब बोर्डियों खुद की हरकतें नहीं देखेंगे कि खुद क्या करते फिरते हैं, दूसरों पर उंगली जरूर उठा देंगे। कुछ भी हो सकता था, अपनी क्रिकेट टीम हमारी खतरे में हो सकती थी। मतलब जो देश को दूसरे देशों को खतरा बना हुआ है, पाकिस्तान पहुंचने के बाद सिक्योरिटी इशूज की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को वापस बुला लिया जाता है, दूसरे देशों के खिलाड़ी डर की वजह से पाकिस्तान का दौरा करना नहीं चाहते, वो बोर्डियों भी बात करते हैं पाकिस्तानी टीम को खतरा होने की। लेकिन इस सबके बावजूद भी बोर्डियों को अपने मुल्क में अपने खिलाड़ियों में कोई कमी नजर नहीं आती, बल्कि खुद की गलती ना मानकर उल्टा इनका कहना होता है। आसिफ अली जिनको लोग जानते हैं, वो बाय नेचर एक बहुत ही काम और बहुत ही कंपोज्ड आदमी है। ठीक है भाई, भूलकर ग्राउंड में बल्ले को बंदूक बनाकर आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बंदा काम एंड कंपोज्ड। अरे क्या जब से अफगानी भाइयों ने इन पोर्टियों को ग्राउंड के अंदर और बाहर पेला है, तब से ये पोर्टी अपना आपा खो बैठे हैं। इनको यकीन ही नहीं हो रहा कि अफगानिस्तानी टीम पाकिस्तानी प्लेयर्स का ये हश्र भी कर सकती है। साले रो रो कर जीते, कुछ नहीं बचा, बस अल्लाह ना करे हार जाएंगे, लेकिन उसी वक्त ही हम जीत जाते हैं। इसी जलन में पोर्टियों ने इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान मैच को ट्विटर पर फिक्स ट्रेंड करा दिया। विराट कोहली को क्या स्लॉट पे रख रख के गेंदे दे रहे थे कि लोग इनका जिम्बाम्बर रन मारे तो वो सही, और अगर कोई इंडियन प्लेयर रन मारे तो वो मैच फिक्स। जाहिलियत सही है, अगर ये मैच जीते तो सही, अगर कोई दूसरा मैच जीते तो फिक्स, अगर कोई दूसरा मैच हारे तो IPL में खेलने के लिए हारे, अगर ये मैच हारे तो हारने के बाद भी। इंडिया लास्ट ओवर में जीत रहा है, इंडिया हारा है बेसिकली फॉर अस। भाई ये देखो, अफगानी प्लेयर्स को फिक्सिंग के नाम पर ट्रोल कर कौन रहा है? पाकिस्तान, जिनके खुद के प्लेयर्स आए दिन मैच फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं, खान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद नवाज, नासिर जमशेद, पाकिस्तान के जिन पर मैच फिक्सिंग के नाम पर 2 महीने 5 साल 10 साल से लेकर लाइफ टाइम तक का बैन लगा हुआ है। ये सारे बीड़ी में बिक जाते हैं और दूसरे देशों के खिलाड़ियों पर आरोप लगाते हैं फिक्सिंग का। लेकिन ये पोर्की यही नहीं रुके, अफगानिस्तान वर्सेज पाक मैच में हुए उस वाक्य के बाद इन्होंने भारत को भी लपेट लिया। अफगान शायकीन बदतमीजी में भारतीयों से भी बहुत आगे निकल गए, स्टेडियम की कुर्सियां उखाड़ कर पाकिस्तानी शायकीन पर फेंकी। भाई भारतीय दर्शकों ने मैच के दौरान स्टेडियम में क्या बदतमीजी दिखाई, किसी भारतीय दर्शक का एक वाक्य नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी ये मुफ्त भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। अब भाई आप खुद सोचो, इन पोर्टियों के जहर में भारत के खिलाफ किस कदर जहर भरा हुआ है, और ये जहर तो आपको उस दिन ही समझ जाना चाहिए था जब इंडिया वर्सेज पाक मैच के दौरान ये अर्शदीप को लेकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। आसिफ का कैच छोड़ने पर इंडियन इंतहा पसंदों ने अर्शदीप सिंह को खालिस्तानी कराते दिया, और इस सबकी हकीकत भाई पोर्टियों ने जानबूझ के अर्शदीप के खिलाफ ट्विटर पर फर्जी ट्रेंड चलाया और अर्शदीप को खालिस्तानी बताते हुए फर्जी अकाउंट से तमाम ट्वीट्स किए ताकि भारत की छवि खराब की जा सके। यहाँ तक कि इन्होंने विकिपीडिया तक से अर्शदीप की इन्फॉर्मेशन चेंज कर दी, और इन्फॉर्मेशन चेंज करने वाले का IP एड्रेस कहाँ का था? पाकिस्तान का। और ये पहली बार नहीं है जब भारत की छवि खराब करने के लिए पोर्टियों द्वारा भारतीय खिलाड़ियों को ट्रोल किया गया हो। पिछले साल मैच में भी इन पोर्टियों ने सेम ऐसा ही भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी के साथ किया था। पाकिस्तान के साथ मैच होता है, ये पोर्टी हर बार ऐसे ही भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं। इन पोर्टियों को इनकी औकात दिखाने के लिए तुम्हारा भाई ही काफी है। पोर्टियों तुम एक बात अच्छे से समझ लो, पाकिस्तान मैच हारे या जीते हमें बस लेने से मतलब है कोई भी दे। तो दोस्तों खत्म हो गई। तो भाई साहब एक रिक्वेस्ट है आपसे, यही ट्वी प्रो होगा, लेकिन आपने जो हमें भेजा है वो गिफ्ट वापस कर दो। कौन सा इन्होंने जो भेजा है? तो ये तो फाइनल का जो है रोस्टिंग की थी जब पाकिस्तान हार गया था श्रीलंका से, तो रोस्टिंग तो बहुत की थी, लेकिन एक जगह मुझे भी बहुत गुस्सा आया जब ये लोग इंडिया हमसे जीत रहा था, हालांकि वन सेट पर हम हार गए थे इंडिया से, वो अच्छा टीम है एक, तो गेम है कुछ भी हो सकता है, लेकिन लोग बोलते हैं मुझे जहाँ तक मुझे पता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पिक्सर तो इनकी टीम में थे, पाकिस्तान की टीम। यस, ये बात तो रियलिटी है। और दूसरी बात ये भी थी कि जो फाइट किया वो, हालांकि वो तो अलग बात है, वो तुम्हारे वाले थोड़े वो ज़्यादा जज्बाती लोग हैं, फाइट की थी, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए थे क्योंकि अच्छी बात नहीं है।
फाइट करते हो आके स्टेडियम ग्राउंड में जो हुआ था वो तो मैं भी अगेंस्ट हूं, और कोई ये कहेगा कि ग्राउंड में देखो ये कंट्री की जो इमेज खराब कर देता है, लोगों की इमेज खराब करता है, बिल्कुल सब कहेंगे कि पठान ऐसे होते हैं, मतलब वो तो है ठीक है लेकिन गलत किया, लेकिन ग्राउंड में जो आसिफ अली ने किया वो तो उन लोगों ने वो भी तो अपने गलती नहीं मानते लेकिन हम लोगों को गलत कह रहे हैं, फिक्सिंग का जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हालांकि ये दोनों श्रीलंका से हार गए वो फिर किसी ने इसको तो किसी ने नहीं कहा कि आपने फिक्स किया हुआ था, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। खैर इन लोगों के शॉर्ट क्या कहते हैं सोच थोड़े छोटे छोटे हैं, अभी बर्दाश्त कर लेंगे क्या है, लेकिन सो बट ये था कि अच्छा टूर्नामेंट था एशिया का, बट जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह नहीं हुआ, गाले मेहनत की उसके प्लेयर ने मेहनत की, वो लोग जीत गए मुबारक, ये बात है, बाकी बातें नहीं करनी चाहिए कि ये था वो था फलाना था ढंगा। उम्मीद आप सबको नहीं क्या क्या होगा, अगर मुझे क्या प्लीज सब्सक्राइब चैनल साथ मुझे पहले पो मिल रहे हैं, इतना ही अल्लाह हाफिज़ बाय।